ईडी ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को पूछताछ के लिए 2 नवंबर को तलब किया था। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आबकारी नीति से जुड़े धन संशोधन मामले में पूछताछ करने के लिए बुलाया था। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी को जवाब दिया। केजरीवाल ने कहा कि समन का नोटिस अवैध और राजनीति से प्रेरित है। नोटिस भाजपा के इशारे पर भेजा गया है। नोटिस यह सुनिश्चित करने के लिए भेजा गया है कि मैं 4 राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए जाने में असमर्थ रहूं। ईडी को तुरंत नोटिस वापस लेना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि आपका राष्ट्रीय संयोजक और एक स्टार प्रचारक होने के नाते मुझे चुनाव प्रचार के लिए यात्रा करनी पड़ती है और आपके अपने क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को राजनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करना पड़ता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में मेरी शासन और आधिकारिक प्रतिबद्धताएं हैं जिनके लिए मेरी उपस्थिति आवश्यक है। आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति अनियमितता मामले की जांच कर रही दोनों एजेंसियां सीबीआई और ईडी ने अब तक 15 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, विजय नायर, समीर महेंद्रू, अरुण रामचंद्रन, राजेश जोशी, गोरंतला बूची बाबू, अमित अरोरा, बेनोय बाबू, पी शरद चंद्र रेड्डी, अरबिंदो फार्मा के पूर्णकालिक निदेशक और प्रमोटर व्यवसायी अमनदीप धाल और व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली शामिल है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन पर आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया देख रही है कि केंद्र सरकार सत्ता के नशे में चूर है और वह इतनी अहंकारी है कि हर छोटी राजनीतिक पार्टी को कुचल देना चाहती है। आम आदमी पार्टी एक उभरती हुई राष्ट्रीय पार्टी है और भाजपा सरकार उसे कुचलने के लिए हर कोशिश कर रही है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने समन किया था। मुख्यमंत्री जी ने ईडी को पत्र लेके बताया है और कुछ बातें बहुत जरूरी उन्होंने रेखांकित की हैं। पहला, ईडी के समन में ये कहीं साफ नहीं हो रहा कि वो अरविंद केजरीवाल जी को किस हैसियत में बुला रहे हैं। संदिग्ध की हैसियत से बुला रहे हैं, गवाह की हैसियत से बुला रहे हैं, ये जानबूझ के इसको साफ नहीं किया जा रहा, वो साफ करे ईडी। दूसरा, अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते बुलाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर होने के नाते बुलाया जा रहा है।